नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जयपुर के ग्रामीण क्षेत्र से। राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए ऑपरेशन हाईवे चलाया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस को ग्राम टाकरडा थाना कालाडेरा में स्मैक के कारोबार की सूचना मिल रही थी। सूचना के बाद से ही पुलिस ने क्षेत्र में निगरानी रखना शुरू कर दिया, जिसके चलते डीएसटी प्रभारी हेमराज मीणा और थानाधिकारी कालाडेरा हरविंदर सिंह ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर 13 ग्राम स्मैक के साथ 25 वर्षीय गुलाब चंद जाट निवासी बगड़ियों की ढाणी तन बिहारीपुरा को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 2 मोटरसाइकिल और 1 इलेक्ट्रॉनिक काटा भी बरामद किया गया है। इस दौरान एक आरोपी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस द्वारा जिसकी तलाश की जा रही है। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा ने बताया कि जयपुर ग्रामीण पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए ऑपरेशन हाईवे चलाया जा रहा है, जिसके तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है। मादक पदार्थ बेचने और खरीदने वालों के पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। इस पूरे इलाके पर मादक पदार्थ और आपराधिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़।